गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्पिता मैम सेकेंड स्टैंडर्ड में हिंदी में आज आपको मोर का ऐसे कैसे लिखा जाएगा वो बताऊंगी। पहले आपको मैंने शेर का ऐसे बताया राइटिंग पार्ट में, और स्टोरी कैसे लिखी जाती है वो बताई। अब आपको मोर का ऐसे, जिसमें मैंने ये जो ब्रैकेट्स दिए हैं ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, और नीचे आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको ऐसे आएंगे एग्ज़ाम में, तो ये ऑप्शंस को आपको यहाँ ब्लैंक्स में डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको आंसर सहित दिया है, ये आंसर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिए हैं, तो ये आंसर आपको चूज़ करके फिर आएंगे एग्ज़ाम में। आपको ये खाली जगह आएगी, ब्लैंक्स आएंगे यहाँ पर ये सारे ब्लैंक्स आएंगे, तो ये ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो अभी मैंने ये आपको भर दिए, यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शंस में से देखकर चूज़ करके लिखना है। तो निबंध है मोर, इसमें फर्स्ट लाइन है, पक्षियों में मोर सबसे होता है, कैसा होता है, सुंदर सुंदर होता है। सेकंड लाइन है, मोर भारत का पक्षी है, कौन सा पक्षी है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। थर्ड वन है, मोर को मैं रखा जाता है, मोर और कहाँ पर रहता है, मोर को चिड़ियाघरों में भी रखा जाता है। फोर्थ नंबर लाइन है, इसकी नीली और लंबी गर्दन पर होती है, क्या होती है इसकी नीली और लंबी गर्दन, मोर देखा है बच्चों आप लोगों ने, मोर के गर्दन पर, लंबी सी गर्दन पर क्या होती है ऊपर, कलगी, उसको कहते हैं कलगी होती है। फाइव नंबर है, इसके पंख लंबे और होते हैं, कैसे होते हैं इसके पंख, लंबे भी होते हैं और कैसे होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं। सिक्स नंबर लाइन, इसकी आवाज़ होती है, कैसी होती है इसकी आवाज़, मधुर होती है, बड़ी मधुर सी आवाज़ होती है इसकी। सेवन नंबर लाइन, मोर पर रहता है, कहाँ पर रहता है, पेड़ पर, और खेत में भी घूमता है वो, खेतों में भी हमने देखा होगा ना आप लोगों ने मोर देखा होगा ना, खेत में, जंगल में, पेड़ों पे, बाग में, बगीचे में भी होता है। तो सेवन नंबर लाइन है, मोर पेड़ पर रहता है और खेत में भी घूमता है। एट नंबर लाइन, यह बाग, बाग यानी बगीचा, बगीचे में, यह बाग और डैश में पाया जाता है, कहाँ पर, जंगल में पाया जाता है। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है, यह अनाज भी खाता है और क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। और टेन नंबर लाइन, बच्चों को मोर के बहुत प्रिय लगते हैं, क्या बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को मोर के, पंख, पंख बहुत अच्छे लगते हैं मोर के बच्चों को। ओके, तो ये 10 लाइन पूरी आपको ऐसे फिलअप में आएगी, ये पूरी 10 लाइन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ये ब्लैंक्स आपको अच्छे से याद रखने के, कौन से ब्लैंक्स में, कौन सी लाइन में कौन सा ब्लैंक्स आएगा। यहाँ पर ये नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं, ये ऑप्शन सारे आपको आएंगे, लेकिन आपको अभी मैंने आंसर सहित दिया है, तो आपको इसको ब्लैंक्स में जो बीच बीच में लिखे हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।